नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यानी कि छठ पर्व मनाया जाता है। इस बार छठ पर्व की शुरुआत 8 नवंबर से हुई। ऐसे में आज शाम को डूबते सूरज को पहले अर्घ्य दिया जाएगा और छठ पर्व के दौरान 36 घंटे निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। पर्व के दौरान सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के बाद उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। शाम को श्रद्धालु ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही व्रतधारियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खत्म किया है। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पटना, चंदौली, सोनभद्र, मऊ, रायबरेली, फरीदाबाद जहां पे भव्य तरीके से छठ मनाया गया और अस्त होते हुए सूर्य को जल दिया गया, अर्घ्य दिया गया और खुशहाल जीवन की कामना की गई। तो घाट भी सजे हुए दिखे। इस अवसर पर यूपी और बिहार में इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घाटों पे तैयारियां देखने को मिली, भव्य तरीके से घाट सजे हुए दिखाई दिए। अलग अलग तरह से तैयारियां की गई थी। आपको बता दें कि ये 2 से 3 दिन तक चलता है ये पर्व और 36 घंटे के निर्जला व्रत रखने की जो परंपरा है उसको भव्य तरीके से मनाया जाता है। जितने भी व्रत रखने वाले लोग होते हैं वो माँ छठी और साथ ही सूर्य देवता दोनों की पूजा करते हैं और खुशहाल जीवन, सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। आपको बता दें कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और शाम को श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही व्रतधारियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खत्म कर दिया। अब कल सुबह भी अर्घ्य दिया जाएगा। बता दें कि अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां नदियों में, जलाशयों में महिलाएं खड़ी होकर अर्घ्य देती हुई नजर आई है। पटना, चंदौली, सोनभद्र की तस्वीरें सामने आ रही है, मऊ, रायबरेली, फरीदाबाद, सभी जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं और कितनी भीड़ देखने को मिल रही है घाटों पे। पिछले साल इतनी भीड़ देखने को नहीं मिली थी लेकिन इस बार काफी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले साल कोरोना की वजह से काफी शांतिपूर्ण और घर पर ही इस त्योहार को मनाया गया था। घरों में ही टबों में पानी भर के महिलाओं ने, व्रतधारियों ने अपने व्रत को सफल बनाया था, अर्घ्य दिया था सूर्य देवता को, घर पे ही पूजा करी थी। लेकिन इस बार जब कम हुए हैं कोरोना के मामले तो एक बार फिर रोशन नजर आए हैं घाट। वो चाहे उत्तर प्रदेश के कोई भी जिले के घाट हो या फिर गोमती के घाट हो, गंगा के घाट हो, यमुना के घाट हो, सभी घाटों से अलग अल-अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ हर्षोल्लास के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, तैयारी की गई। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मऊ से कमलेश जुड़ चुके हैं संवाददाता। कमलेश, कैसा नजारा देखने को मिला आज कोविड के बाद, किस तरह से मनाया गया छठ का त्योहार? जी शिखा जी, आपको हम बता दें कि मऊ में कोविड-19 के बाद आज जो उत्साह देखी गई है सूर्य प्रमाण प्रकृति पे, कि जो आज बहुत काफी उत्साह जगह है और तो बहुत काफी जो प्रशासन का भी इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। जी, क्या कुछ तैयारियां की गई थी छठ पर्व के मद्देनजर? बहुत ज्यादा नगर पालिका से भी तरफ से भी तैयारी की गई थी और उसमें बहुत अच्छा और व्यवस्था भी ठीक की गई थी मैम। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन देखने को मिला? नहीं मैम, सुरेखा जी आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ दिखाई नहीं और आम जनता जैसे भीड़ काफी उसी तरह पड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां भी उड़ी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़े थे फरुखाबाद से और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं सामने जहां से छठ की पूजा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भव्य तरीके से छठ का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ छठ मनाया जा रहा है और छठ की पूजा के लिए घाटों को भी सजाया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कई घाट भव्य तरीके से सजे हैं। बिहार में इसका काफी हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति दिखाई देता है और यूपी के भी कई घाट सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से तैयारियां की गई हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी से बिधूना विधानसभा के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर नवल किशोर शुक्ला ने अपनी पत्नी प्रियंका शुक्ला का 27वां जन्मदिन मनाया। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर रोग विशेषज्ञ की पत्नी के 27वें जन्मदिन के मौके पर बिधूना मैदान में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान महिला सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इसमें सभी महिलाओं और पुरुषों को कंबल वितरित किए गए। डॉक्टर नवल किशोर ने अपनी पत्नी का जन्मदिवस मनाया है, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया और जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए और जनता के बीच पहुंचकर अपने पत्नी का भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा के सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा शहर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। वहीं डीएपी खाद की किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर मंत्री शाही ने कहा कि राज्य में डीएपी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आज की तारीख में 2.54 लाख मैट्रिक टन डीएपी राज्य में उपलब्ध है। समीक्षा बैठक की है, जिसमें फर्टिलाइजर की उपलब्धता, धान के क्रय की प्रगति और बीज वितरण के बारे में हमने यहां पर समीक्षा किया है। आगरा मंडल के भीतर 17,570 मेट्रिक टन डीएपी कल यहाँ पर उपलब्ध था। एनपीके 4,140 मेट्रिक टन रहा है। यूरिया 79,080 मेट्रिक टन है। और इस प्रकार से जो फास्फेटिक खादें हैं डीएपी और एनपीके मिलकर के 21,710 मेट्रिक टन यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार से कोई भी डीएपी या एनपीके की कमी नहीं है। लगातार सरकार इस पर ध्यान बना करके रखी है और हम निरंतर सप्लाई आपूर्ति कर रहे हैं। गत वर्ष नवंबर तक जो है वो लगभग 36,000 मेट्रिक टन डीएपी एनपीके 30 नवंबर तक खपत हुई थी, डीएपी की खपत हुई थी। अब तक 28,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा की सप्लाई हम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी जो 20 दिन शेष हैं उसके भीतर ये सप्लाई। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद दिल्ली से आज अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे। लावारिस शवों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी मोहम्मद शरीफ चाचा, जिनका भव्य स्वागत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। मानवीय संवेदना पर किए गए उनके कामों के लिए साल 2019 में पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते ये अवार्ड उन्हें मिल नहीं सका था। 2 साल के उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद शरीफ चाचा अयोध्या लौटे। उन्होंने बीते 28 सालों के बीच करीब 3,000 से ज्यादा लावारिस शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया है, जिसमें से 1,000 हिंदू और 2,000 मुस्लिमों के शव शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर में भी भाजपा सदस्यता अभियान के तहत लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। इस मौके पर जुआ थाना, श्रीनगर और खगई जोत गांव में चलाए गए सदस्यता अभियान में राज्य मंत्री पलटू राम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके लोगों को सदस्य बनने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में भाजपा के परिवार का सदस्य बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यही कार्यकर्ताओं की देन है, जो गांव के कार्यकर्ता हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, आज वो मोदी जी और योगी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए आज लोगों की कतार लगी हुई है। ऐसे लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ कि वो एक देश के राष्ट्रभक्त के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के साथ चल करके
औरैया के नुमाइश मैदान स्थल औरैया में सूचना विभाग द्वारा प्रदेश सरकार की 4.5 वर्षीय उपलब्धियां एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मनमोहक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों से संबंधित जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने फीता काटकर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से वर्तमान प्रदेश सरकार की अब तक की सभी उपलब्धियां एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में सूचना विभाग के द्वारा प्रदर्शनी स्थापित की गई है। ये प्रदर्शनी 10 से 12 नवंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी का मकसद प्रदेश सरकार द्वारा 4.5 वर्ष में जो उपलब्धियां अर्जित की गई है उनको आम जनता तक पहुंचाना है। यह एक विकास उत्सव के रूप में प्रदर्शनी मनाई जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य है हमारे सरकार के जो 4.5 साल की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ताकि लोग उन योजनाओं का फायदा उठा सकें, लोग लाभान्वित हो सकें और उससे हर आदमी को जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है जो वंचित है वंचित समाज के जो लोग हैं उन सबको सरकार की प्रमुख योजनाओं का फायदा। मऊ जनपद में नगर पालिका की पोल खुल गई है जबकि डोमपुरा वार्ड नंबर 24 के सभासद अपना वार्ड की जनता का हाल तक नहीं देखने चाहते हैं जबकि लोगों का कहना है कि हम लोग बीमारियों से परेशान हो गए हैं। 5 दिनों से बीमारियों से जूझ रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक हम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, ना तो सभासद ना ही चेयरमैन, यहाँ कोई नहीं आता है। कई पेशेंट हमारे पास इस शनिवार से भर्ती हुए हैं जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं जो कि वहाँ से डोमनपुरा के उस एरिए से आए हुए हैं और उसमें ऐसे हैं कि ज़्यादातर को दस्त की ही दिक्कत है, दस्त उल्टी दस्त और इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको एकदम मतलब पानी उनके शरीर से निकल गया है। जहाँ तक की गई इलाज करने बेहतर से बेहतर इलाज किया गया उनका, अभी काफ़ी बच्चे सही भी हो गए हैं। उसमें से करीब 9 बच्चे भर्ती हुए थे, 9 में से 7 बच्चे छुट्टी हो गई है, 1-2 बच्चे और जो कल भर्ती हुए थे इंशाल्लाह कल वो भी सही हो जाएंगे, उनको भी छुट्टी का। हमने सूचना मिली कि कुछ लोग डायरिया वगैरह फैल गया है, हमने जाँच किया और काफ़ी मेहनत के बाद एक जल जमाव था वहाँ पर पाइप फट गया था तो पकड़ने आया, बाकी पाइप को दुरुस्त। खाद की कालाबाजारी को लेकर उपजिलाधिकारी सदर ने विकास खंड बरौली अहीर क्षेत्र के अंतर्गत कबीश पर छापेमारी की। उपजिलाधिकारी की छापेमारी से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। कई दिनों से अधिक मूल्य से खाद बेचने की मिल रही शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने क्रय विक्रय में काफी अंतर पाया है। देखिए आज ये सूचना मिली है कि ब्लॉक बरौली अहीर में जो जेपी खाद भंडार है यहाँ पे जितने स्टॉक इनको मिला है और जितने विक्रय किया है इसमें अंतर है और लोग आसपास के लोगों ने ये भी सूचना दिया कि जो 1250 जिसमें इनको विक्रय करना है उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ आने पर प्राथमिक दृष्टि पे तो कई चीज़ें सही पाई गई, इसके आधार पर हमने ये दुकान सील किया गया है। मिर्जापुर पुलिस ने 51 नागरिकों को करीब 5 लाख का अनोखा उपहार प्रदान किया है जिसमें लोगों के गायब हुए स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिए हैं। खोया मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान थिरक पड़ी। लोगों के मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाली सर्विलांस टीम को SP अजय कुमार ने 15,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जनपद में काफी लोगों के मोबाइल गुम हुए थे, इस संबंध में सब लोगों ने प्रार्थना पत्र भी दिया था, इसको हमने एक चुनौती के रूप में लिया और जितने भी मोबाइल गुम हुए थे हमने सर्विलांस टीम को दिया। सर्विलांस के माध्यम से काम करने के लिए हमारी सर्विलांस टीम ने अच्छा काम किया और जनपद के लगभग गुम हुए 51 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया। जिनके मोबाइल फ़ोन गायब हुए थे उनको आज बुला करके उनको प्रदान किया गया है, आप देखेंगे उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी। मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय के एक सराहनीय कदम से और सामाजिक संगठनों की पहल से जिले में आज 20 दाम्पत्य जोड़े एक हो गए हैं। एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी को पुलिस के प्रयास से सामाजिक संगठनों के महत्वपूर्ण कदम से आपसी मतभेद को दूर करके फिर से परिवार में मिल गए हैं। इस मौके पर दाम्पत्यों के चेहरे खिल उठे, साथ ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मैनपुरी पुलिस के द्वारा एक परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें कि
विभिन्न जोड़े दंपत्ति जो किसी छोटे मोटे कारणों पर अलग रह रहे हैं, कुछ मत विभिन्नता के चलते, उनको हमारे काउंसलर्स की टीम है, जैसा आप देखे हैं समाज सेवी लोग हैं, विभिन्न आयामों से जुड़े हुए लोग हैं, और ये अपना सब कुछ समय समर्पण के भाव से इनको मिलाने का काम करते हैं, उसमें हमारे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शहर में यातायात सुरक्षा सप्ताह के दौरान जहां वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, तो वही ट्रैफिक विभाग और पुलिसकर्मी वाहन चालकों के साथ नरमी से पेश आ रहे हैं। तो सीओ सिटी वंदना सिंह ने नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने का सुझाव दिया। यातायात माह के अंतर्गत पूरे जनपद में विगत कई दिनों से कार्रवाई चल रही है, बच्चों को जागरूक करने और नागरिकों को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा था। आज एक विशेष अभियान चलाया गया था यहाँ सिविल लाइन चौराहे में कि जो भी गाड़ियाँ यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रही। मैनपुरी में क्षत्रिय स्वर्णकार सभा एवं मंदिर कमेटी द्वारा भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई वापस मंदिर पर जाकर समाप्त हुई, जिसके बाद भव्य प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। इस दौरान भारी पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। मंदिर में जो हनुमान जी स्थापित है, आज उनका स्थापना दिवस है, हर वर्ष दिवाली के बाद मंगलवार पड़ता है जो हम उस पर अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं, उनका स्थापना दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी वही भव्यता और त्रिपिता के साथ हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं महाराज जी की। हम सभी नगर वासियों से एक तरफ योगी सरकार का आदेश है कि जो पात्र हैं उनका राशन कार्ड होना चाहिए, लेकिन संभल आपूर्ति विभाग में मौजूद सप्लाई इंस्पेक्टर योगेश शुक्ला के ऑफिस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, जिसमें अपात्र लोगों के राशन कार्ड सबसे पहले बनते हैं, लेकिन पात्र लोग राशन कार्ड के लिए दूर दर दर भटकते रहते हैं। कुछ पात्र लोगों ने संभल सप्लाई सेक्टर इंस्पेक्टर योगेश शुक्ला के अपने राशन कार्ड को सही कराने के लिए बोला, तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि कर्मचारियों से बात कर लो। जब कर्मचारियों से बात करी तो वो पैसे मांगते हैं और वो रुपए नहीं देने पर साइट बंद होने का बहाना लेकर फटकार कर भगा दिया जाता है। पुरी के कुरावली तहसील के ग्राम घनश्यामपुरी के पराहर में का मामला है, जहां सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत के तहत सरकार ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया था, जिससे कि लोग बाहर शौच के लिए जाने से बचे और हजारों करोड़ों रुपए जनता के हितों के लिए खर्च किया जाए। वहीं मैनपुरी में एक नाबालिग बच्चे से सफाई कर्मचारी सुधा देवी द्वारा खुद सफाई नहीं करते हुए बच्चे को 10-10 रुपए देकर सफाई कराई जा रही है। वहीं सामुदायिक शौचालय की सफाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी मैनपुरी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के साथ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। मेरे जानकारी में ये लाया गया है कि एक सामुदायिक शौचालय है पुरावली ब्लॉक का, वहाँ पर बच्चे से शौचालय की सफाई कराई जा रही है। मैंने इसमें संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि इस प्रकरण की पूरी जाँच कराई जाए, और जो भी स्वयं सहायता समूह या जिसके केयर टेकर। दुद्धी कोतवाली के मलदेवा गांव के वार्ड नंबर 6 में दुद्धी महाविद्यालय में संस्कृति के प्रोफेसर इग्नू के कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात प्रोफेसर डॉक्टर जेजे सिंह की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर दुद्धी क्षेत्राधिकारी राम आशीष यादव और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। खून से लथपथ डॉक्टर जेजे सिंह के शव को देखकर उनकी पत्नी दहाड़े मार कर रोने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। 112 के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों तक पहुंची है कि यहाँ मलदेवा गांव में एक शव पड़ा हुआ है कमरे के अंदर। जानकारी की गई तो ये पता लगा है कि जगजीत सिंह अध्यापक हैं, यहाँ बीआरडी कॉलेज में अपने परिवार के साथ यहीं पे रहते हैं, और सुबह में जब उनकी पत्नी जगी है मॉर्निंग वॉक के लिए तो समय उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी यहाँ से पड़ी हुई है, उनके चेहरे पे और गले पे।
अरावली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना गोला नहर पुल की टूटी रेलिंग हादसों को दावत दे रही है। टूटी रेलिंग के कारण आए दिन यहां पर कई बड़े हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार विभाग द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है और अब सुबह शाम कोहरे भी पड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से प्रतिदिन हजारों वाहन का आवागमन होता है, ऐसे में यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये कम से कम साल खाड़ हो गई है, साल भर हो गई है, साल भर हो चुकी है इसमें। मतलब देख भाल के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मतलब कौन मतलब देखने वाला है किसान। मतलब जो साइड की जो मतलब जो पुल की दीवार है वो टूटी पड़ी दोनों साइड की होंगे और क्या हादसे, मतलब हादसे से तो टूटी है ये। हाथरस की तहसील सासनी के एक गांव में शादी का झांसा देकर युवक युवती से 18 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात भी कराया। आरोपी युवक ने युवती को परिजनों के सामने गाली गलौज देकर अपमानित करके भगा दिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने पूरा मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेज दिया है। विजय एक डेढ़ साल से साथ में रखा रहा, फिर मैंने कर रहा, उसकी शादी तो हो रही है इसलिए उसके घर वालों ने मैंने कर दी। पहले तो धोखा देते रहा कि मैं तुझसे शादी करूँगा शादी करूँगा, उसने गलत काम करके छोड़ दिया कि अब नहीं कर रहा। एक डेढ़ महीने पेट में, और फिर उसने दो तीन बार तो बच्चा गिरवा दिया कि दवा खा ले, अब के भी कह रहा। बुलंदशहर में एक गांव में दलित महिला से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता के पति ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि इस घटना में तीन लोग शामिल हैं, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसको लेकर पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दो अन्य आरोपियों को छोड़ दिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दुष्कर्म का विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने बताया कि वो एक महीने से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। झांसी बबीना ब्लॉक के ग्राम बदौरा में जहां की प्रधान रंजना राजपूत है, उन्होंने बच्चों के लिए आए सरकारी झूला नुमा जिम मशीन जो गांव की जमीन पर लगने थे, उसे प्रधान जी ने सरकारी आदेशों को दरकिनारे करते हुए अपने ही खेतों पर लगवा दिए हैं। हमारे संग मौजूद हैं प्रधान जी के भाई, जो प्रधान यहाँ की प्रधान है वो रंजना जी हैं, उनके प्रतिनिधि भाई हैं और उनके ये भाई हैं, पारिवारिक हैं। ये ज़मीन जो है वो इन्हीं की है, इन्हीं के नाम पे है और हम जानते हैं कि ये कैसा, ये आप ही की ज़मीन है जी। तो आपके निजी खेतों में ये सरकारी चीज़ कैसे लगी इस पर? नहीं, ये निजी नहीं, ये कर्म, ये सरकारी जो है मशीनें जी, ये कहीं मेन रोड पर जगह नहीं मिल रही थी तो हमने इसको बच्चों के लिए दे दी के चलो जिम करते रहे ये लोग। अच्छा। तो इस किसी को रोक टोक नहीं है, तो आए जाए पूरे गांव में कई जगह। हाँ, मेन रोड पे नहीं है, वैसे अंदर की साइड है। तो ये नियम होता है कि मेन रोड पे लगे। हाँ, बच्चे लोग अंदर नहीं जा सकते ना खेती, बच्चे लोग तो कहीं भी चले जाते नहीं, नहीं जा पाते ना। बच्चे हैं ये कहीं भी जा सकते हैं, बूढ़े नहीं जा सकते हैं कहीं भी। तो बूढ़े भी आ सकते हैं इसमें, तो बूढ़े भी आते जिम करने को। तो ये आपने जैसे कि ये जमीन पे आपकी प्रधानी चली जाएगी, फिर क्या करा? फिर भी जब बच्चों को रहेगी जिम के लिए। कहीं लिखित में आपने दिया है कि ये जमीन हमने हमेशा के लिए दी? अरे तो बन गया तो हम उखाड़ेंगे थोड़ा सी इसको। नहीं तो आप नहीं उखाड़ेंगे, प्रधानी चली जाएगी मान लो, पर आप बोलोगे ये तो मेरी है, मैं क्यों दूं भाई, बच्चों को आने को मना कर दो। नहीं करेंगे, सरकार दोबारा भेजे तो लिखित में दे देंगे हम तो। लिखित में अभी नहीं है ना, ये आपने अपनी जमीन पर करवा रखा है। करवा रखा है तो ये क्या है, दबंगाई है, दया है? दया है। अच्छा, देखिए ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये हमने अपने दया आधार पे छोड़ दी है, अब भगवान जाने कि ये प्रधानी जाने के बाद इस पे वापस कब्जा जमात। नमस्कार, मैं हूँ आलोक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम इस वक्त मौजूद है झांसी बबीना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है बेदौरा। आमतौर पर आपने देखे होंगे पार्क जो कि अमूमन सरकारी जमीन में हर कहीं होते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी जगह पार्क दिखाने वाले हैं, इसको आप या प्रधान की दबंगाई कहें या छोटापन कहें, आप जो भी हो सकता है। ये आप जो मशीन देख रहे हैं यहाँ पर जो लगी हुई है, ये सारी प्रधान जी की निजी ज़मीन है। ये सरकारी खर्चे से आए हुए सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं और प्रधान जी ने इसको अपनी निजी ज़मीन पर लगा रखा है। ये प्रधान जी का घर है, ये सारे खेत प्रधान जी के निजी हैं। क्यों? और आइए हम आपको बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं कि इनको क्या आने दिया जाता है, कि कोई रोक होती है या नहीं होती है। क्यों बेटा,
ये यहाँ पे तुम लोग रोज आते हो? कोई रोकता नहीं है? कोई नहीं रोकता? प्रधान जी कैसे हैं? अच्छे अच्छे। ये किसका घर है? प्रधान जी का। ये प्रधान जी के खेत है? अच्छा, क्या करते हो? पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हो। और आपका क्या नाम है? चाहत। साहिल। चाहत। अच्छा चाहत, चाहत तुम रोज आते हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा प्रधान जी मना नहीं करते कभी? नहीं। और यहाँ पे और कुछ है खेलने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है। तो प्रधान जी ने ये गेट लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं देते हैं? नहीं। चलिए बढ़िया। ये थे बच्चों ने बताया कि प्रधान जी का कोई रोक टोक तो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, बस समस्या इतनी सी है कि सरकारी खर्चा, सरकारी जमीन और सरकारी चीजें। पल्लवी अग्रवाल की पॉस्को कोर्ट ने सुनवाई ऐतिहासिक फैसला, और जो है बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 साल की मासूम को रेप के बाद मौत की नींद सुला देने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने 45 साल के दरिंदे को यह सजा सुनाई है, जहां 10 जुलाई 2020 को खेलते समय बच्ची को अपने घर में ले गया था दरिंदा, और जहां वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंक कर फरार हो गया आरोपी। बच्ची को अक्सर खिलाता रहता था बाहर, खिलाते खिलाते सामने उसका घेर था, उसमें ले गया। वहां उसका कहना ये था, अदालत में उसने नहीं कहा, मगर उसका गवाहों का कहना ये था कि उसका मन बदल गया, खिलाते खिलाते घेर में ले जाकर उसका रेप किया और बेहोशी की हालत में उसे तालाब में फेंक दिया लड़की बच्ची को। इसमें 302 में मुलजिम को फांसी दी गई है, 376 ए बी और 5M6 पॉक्सो में दोनों में फांसी की सजा दी गई है, प्लस 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पे 1 साल सश्रम कारावास और भोगना पड़ेगा उसे। आरोपी उम्र। ललितपुर में नेशनल हाईवे पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन की स्कूटी में एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जिलाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिलाध्यक्ष के घायल होने की जानकारी लगने पर भाजपाइयों का अस्पताल में जमावड़ा लग गया। लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली की ग्राम पंचायत ग्रंट इनायत चीफ के गांव बस ताली में छप्पर के नीचे गैस सिलेंडर से खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिसमें पूरे परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते हैं आग की लपटों ने 4 पक्के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों द्वारा मितौली थाना प्रभारी सुनीत कुमार को सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से चारों घरों में मौजूद सामान जलकर खाक हो गया। फरीदाबाद नीलम बाटा रोड स्थित बिरयानी खाने आए 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। घायल युवकों को नाम मुस्तैद और मुबारक बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। भैया वो मेरी दुकान है अपनी, हाँ। डेली आते हैं भैया, हाँ। बिरयानी खाने के लिए डेली आते हैं, और हाँ। उसी तरह आज भी बिरयानी खाने के लिए, हाँ। तो अपना भैया ने पहले बिरयानी लगवाई मेरे से, हाँ। तो मैंने भैया डालू सामान सब डाल देते, अंदर बोलते नहीं नहीं ऐसी बेमरी, हाँ। आज में बिरयानी भैया ने खाई, हाँ। तो मैं ऐसे भैया सिलेंडर जो मेरा दुकान पे, तो मोल्टर साइड ऐसे बैठा पड़ा था भैया, हल्की सी बाइक की रुकने की आवाज आई हुई, तो मैंने देखो शायद मेरा कस्टमर है, ऐसे देखो तो भैया भैया से आए, उन्होंने निकाला और जो भैया बैठे थे उनको ऑन द स्पॉट उन्होंने भैया पे चला दिया। बता रहे हैं कि 10-20 के करीब दो नौजवान लड़के बैठे बिरयानी खा रहे थे कि मोटरसाइकिल आई और उन दोनों को गोली मार दी, अभी तो उनको एडमिट कराया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।